ऑक्सीजन कैसे है? बढ़िया, ओके। तो स्टूडेंट्स आप बताइए, या जो भी पेरेंट्स आप देख रहे हैं इसको, तो इसमें हमने पहले कंप्लीमेंट दिया था +9 +7 +6 है ना, 8। अब जो है आपके पास लेवल 2 का, वो 5 को प्लस करना है, तो हमने कंप्लीमेंट यूज़ करना है 10 +10 करके 5 माइनस करना है, ठीक है? +10 करना है, 5 माइनस करना है इफ 5 इज़ नॉट प्रेजेंट, बिकॉज 5 एक ही होता है आपके लेफ्ट साइड में, एंड व्हेन द 5 इज़ नॉट प्रेजेंट दैट मीन्स कि आप 10 का यूज़ करेंगे। फिर अगर +4 करना है तो ऑब्वियस ही बात है 10 प्लस करके -6 करेंगे, ठीक है? तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चन है 12 +57, 5 7 के लिए 5 एंड इधर से 2 7 +15 1 एंड 5 फिर प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस करके 5 डाउन करेंगे, ठीक है? एंड -21, तो 20 एंड यहाँ से 1, दिस इज आंसर कितना है 10 +3 13। फाइव +9 +14 10 +4 के लिए क्या करना है 10 +6 डाउन -61 6 1 +20 और यहाँ से 2, व्हाट इज आंसर 3 4 34। नाउ 19 फिर +1 मतलब 10 एंड 4 के लिए फिर 10 फिर -6 फिर +11 10 एंड 1 11 -20 22, राइट? तो 22 आंसर हो गया। फास्ट में करेंगे आप, जब एक बार कर लोगे तो उसको दो तीन बार आप फास्ट में करेंगे। फिर अगेन आपके पास 22 +1 5 के लिए 5 फिर +54 50 एंड 4 प्लस करना है, सो 4 इज नॉट प्रेजेंट हियर, 10 प्लस करेंगे 6 डाउन करेंगे -41 4 1 41, कितना आंसर आ गया 50। तो दिस इज 50 आंसर, इजी है, करना कोई खास नहीं है, स्पीड बढ़ जाता है जब आप इसको दो तीन बार करोगे तो, ठीक है? एंड इसके बाद बच्चों को आप करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करवाएंगे, इजीली हो जाएगा। 1 2 मतलब 10 एंड 2 12 फिर 1 एंड 5 15 फिर +54, देखो 5 ये है ना 5 एंड 4 के लिए 4 हमारे पास प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो हम 10 प्लस करेंगे 6 डाउन करेंगे। फिर +18 18 के लिए क्या करेंगे, देखो 10 एंड +8 के लिए हमारे पास कितना है 10, तो गलत तो नहीं है, अगेन दोबारा करते हैं 1 मतलब 10 +2 12 हो गया, +15 के लिए 10 एंड 5 15 अगेन 54 5 4 प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस करने के लिए क्या करना है बताइए, 4 के लिए 10 प्लस एंड 10 जब प्लस होगा तो 6 डाउन होगा, फिर +18 के लिए 10 प्लस और 8 प्लस यहाँ से 8 प्लस होके तो 99 आंसर आ गया, ठीक है 99। कभी कभी दो क्वेश्चन पे दिमाग जाने से आंसर गलत हो सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि लिस्निंग एंड डूइंग दोनों साथ होना चाहिए। 16 1 6 +1 एंड 4 4 के लिए क्या करना पड़ेगा एक 10 प्लस 6 डाउन +15 10 10 प्लस हो गया एंड 5 प्लस हो गया -20 है, दिस इज -20, व्हाट इज द आंसर 25। नाउ 12 1 एंड 2 12 है ना 1 2 12 5 एंड 2 15 फिर 1 एंड 5 फिर 1 एंड 4 प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 10 एंड -6, राइट? आंसर इज व्हाट बोलो 93 है ना, तो रख दीजिए 93। ये सारे आंसर आपके हो चुके हैं, आप इसको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, 5 टाइम्स प्रैक्टिस एंड आफ्टर आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आपसे अगर हो जाता है तो अगर रियली आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, फिर मैं आपसे आपका रिव्यू दूंगा, ठीक है? आप ज़रूर सेंड करेंगे एंड
अभी जस्ट ही आपको लेवल फर्स्ट का एक बड़ा सा टेस्ट होने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं, और 50 क्वेश्चन अगर आप हमें करके देते हैं तो फिर हम उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली तुरंत देंगे और देखेंगे कि उसका क्या आपका रहा। अगर आप बेस्ट करते हो, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपका राइट होता है तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट से अवार्ड किया जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दूसरी बात ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बच्चे पिछला टेस्ट हमें दिए थे लेकिन सब में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन किसी न किसी का गलत था, तो गलत होने के कारण से क्वेश्चन जो भी बच्चे का जो पूरा राइट क्वेश्चन था उसको हमने देखा कि किसी ने एक क्वेश्चन गलत किया था, किसी ने दो, एक क्वेश्चन बच्चे ने सही करा था जो फोटोकॉपी करके और हमारे को सेंड करा था, तो बेटर आंसर था उसका, ठीक है। इस तरह आप भी प्रैक्टिस कीजिए और